हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर माइक्रोफोन के बारे में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैपेसिटर माइक्रोफोन कुछ इस तरह से होता है। अलग अलग टाइप के होते हैं जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा है, यही सब होता है कैपेसिटर माइक्रोफोन। तो कैपेसिटर माइक्रोफोन के थ्योरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके थ्योरी के बारे में। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बेसिक ऑफ कैपेसिटर माइक्रोफोन, दूसरा टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर माइक्रोफोन, तीसरा टॉपिक रहेगा वर्किंग ऑफ कैपेसिटर माइक्रोफोन, चौथा टॉपिक रहेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर माइक्रोफोन, पांचवा टॉपिक रहेगा फीचर्स ऑफ कैपेसिटर माइक्रोफोन, और छठवां रहेगा इसका एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। इन सारे टॉपिक को हम लोग बारी बारी से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैपेसिटर माइक्रोफोन। तो चलिए जानते हैं इसके बेसिक के बारे में। कैपेसिटर के बेसिक के बारे में हम लोग देखते हैं। व्हेन कैपेसिटेंस चेंजेज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर ट्रेंड्स रिमेन द सेम एंड हेंस वोल्टेज चेंजेज इन अकॉर्डिंग विथ V इक्वल टू क्यू अपॉन सी होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। जब हम C को डिक्रीज करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे V वोल्टेज है, Q चार्ज है और C कैपेसिटेंस है। तो जब कैपेसिटेंस C को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो वोल्टेज जो होता है इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे V इक्वल टू क्यू अपॉन सी है। तो जब C को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो V जो है, वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। प्लेट्स आर नियर ईच अदर एंड फॉर्म ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए फ्यू माइक्रोफेरेड। मान लेते हैं दोनों प्लेट है, दो प्लेट है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है डी है और इसका टोटल एरिया जो है ए है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला आता है सी इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन आर ए अपॉन डी, ठीक है। तो C क्या होता है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्साइलन नॉट एप्साइलन और ए अपॉन डी, ये होता है इसका बेसिक फॉर्मूला। फिक्स डीसी वोल्टेज ऑफ अबाउट 50 to 100 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन प्लेट्स। जो दोनों प्लेट्स हैं उसके बीच में 50 to 100 वोल्ट डीसी फिक्स वोल्टेज को अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एक्सटर्नल डीसी सप्लाई को अप्लाई किया जाता है। प्लेट्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो दोनों प्लेट होते हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ दिस माइक्रोफोन इज अबाउट 30 पीको फैरेड। जो इस प्रकार का माइक्रोफोन है, कैपेसिटर जो माइक्रोफोन है, उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो लगभग होता है 30 पिको फैरेड, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर माइक्रोफोन कुछ इस तरह से होता है इसका स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये है डायफ्राम, यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और ये दोनों सपोर्टर हैं, ठीक है, सपोर्ट्स हैं। और यहाँ पे एक मेटल बैक प्लेट है जो कि फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो ए वाला पार्ट है वो होता है मेटल बैक प्लेट जो कि फिक्स रहता है, और ये दोनों सपोर्ट्स हैं, और यहाँ पे इंसुलेटेड होता है, ठीक है, इंसुलेटर होता है, ए वाला पार्ट इंसुलेटर होता है। और हम लोग यहाँ से बाहर से डीसी फिक्स डीसी सप्लाई यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका वर्किंग क्या होता है? यह होता है स्ट्रक्चर। इसका वर्किंग कैसे होता है? जब हम लोग जो कैपेसिटर माइक्रोफोन होता है वो एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर होता है जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। जब हम लोग डायफ्राम पे कोई साउंड, मतलब जो बोलते हैं, डायफ्राम पे पड़ता है, फिर डायफ्राम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब पड़ता है और यहाँ पे एक फिक्स मेटल बैक प्लेट है, दोनों कैपेसिटर की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है। एक डायफ्राम, एक मेटल बैक प्लेट जो कि फिक्स है, यह दोनों कैपेसिटर के दो समांतर प्लेट की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। जब इस पे पड़ता है तो इस पे जो इसके बीच की दूरी है डी,
डिस्टेंस बिटवीन डायफ्राम एंड मेटल बैक प्लेट, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती है। जब डिस्टेंस कम होगी तो सी इक्वल टू एप्साइलन ए अपॉन डी, जब डी कम होगा तो क्या होगा, सी कैपेसिटेंस बढ़ेगा। ठीक है, कैपेसिटेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा इन दोनों के बीच में, डायफ्राम और मेटल बैक प्लेट के बीच का डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कम होगा यहाँ पे, तो जो कैपेसिटेंस है सी वो इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा। तो यही होता है एक कैपेसिटर माइक्रोफोन का वर्किंग। इसमें क्या होता है, एक डायफ्राम होता है जहां पर हम लोग साउंड, यहाँ पे साउंड दिया जाता है, जो हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे डायफ्राम पे पड़ता है। डायफ्राम और जो मेटल बैक प्लेट है वो दोनों कैपेसिटर को दो समांतर प्लेट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो डायफ्राम पे जब साउंड पड़ता है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है। जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा तो जो सी कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। और यहाँ से अलग से भी इसको फिक्स डीसी, कांस्टेंट डीसी यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यह होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक, कैपेसिटर माइक्रोफोन का कैरेक्टरिस्टिक। इसका आउटपुट इम्पीडेंस अबाउट 100 मेगा ओम होता है, मतलब जो आउटपुट इम्पीडेंस होगा वो हाई होता है। ठीक है, जो कैपेसिटर माइक्रोफोन होता है उसका आउटपुट इम्पीडेंस हाई होता है, लगभग 100 मेगा ओम। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस 40 हर्ट्ज टू 15 किलो हर्ट्ज फॉर प्लस माइनस 1 dB। ठीक है, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इतना होता है। इसकी सेंसिटिविटी 3 मिली वोल्ट फॉर SPL ऑफ 0.1 पास्कल, इसकी सेंसिटिविटी इतनी होती है। SNR क्या होता है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो जो होता है इसका हाई होता है। कैपेसिटर जो माइक्रोफोन होता है उसका SNR सिग्नल टू नॉइज रेशियो हाई होता है, अबाउट 40 dB, 40 dB के लगभग होता है। इसका डिस्टॉर्शन जो होता है लेस देन 1% होता है। जो कैपेसिटर माइक्रोफोन होता है इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है लेस देन 1% होता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इसका फीचर्स। पहला पॉइंट, हाई इम्पीडेंस होता है, नीड्स एक्सटर्नल बायस सप्लाई। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल बायसिंग की जरूरत होती है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में, यहाँ से हम लोग डीसी सप्लाई अप्लाई किए हैं, यही होता है नीड ऑफ एक्सटर्नल डीसी सप्लाई या बायसिंग। तो नीड्स एक्सटर्नल बायस सप्लाई, हाई कॉस्ट होता है। ठीक है, जो कैपेसिटर माइक्रोफोन होता है वो हाईली कॉस्टली होता है। वेरी डेडिकेट होता है, जो कैपेसिटर माइक्रोफोन होता है वेरी डेडिकेट होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं इसका एप्लीकेशन। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। एज स्टैंडर्ड माइक फॉर कैलिब्रेटिंग अदर माइक, इसका ज्यादा यूज होता है अदर माइक के पीछे, जो कैपेसिटर माइक्रोफोन है इसका ज्यादा यूज होता है। साउंड लेवल्स मीटर, साउंड लेवल्स मीटर में इसका ज्यादा यूज होता है, प्रोफेशनल हाई फाई सिस्टम में। ठीक है, जो कैपेसिटर माइक्रोफोन है उसका प्रोफेशनल हाई फाई सिस्टम में भी यूज होता है। तो ये था इसका एप्लीकेशन या यूज, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है कैपेसिटर माइक्रोफोन का। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको बहुत सारे नॉलेज मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।